नेपाल के लुम्बिनी से लापता हुए पिता, तो बेटा भारत सरकार से लगा रहा है ये गुहार। नेपाल के लुम्बिनी के रहने वाले गोविंद प्रसाद बनिया नारायण घाट में रह रहे थे और वहीं से ड्राइवर के साथ ट्रक चलवाते थे। गोविंद के बड़े बेटे विशाल के मुताबिक उनके पिता को ट्रक में नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने लोगों को ट्रक बेचने के लिए कहा था। इसके बाद वो ड्राइवर के साथ माल लेकर पोखरा गए और फिर वहां से कभी वापस नहीं आए। बेटे के मुताबिक पिता ने घर पर फोन करके माँ से भी बात की और कहा कि वो कल शाम घर वापस आएंगे, लेकिन जब पिता घर नहीं आए तो सबको चिंता हुई। फोन किया तो किसी और ने फोन उठाया और बोला कि यहाँ फोन चार्जिंग पर लगाकर चले गए हैं। फिर घर वालों ने शाम को फोन किया तो फोन किसी और ने उठाया और बोला कि फोन जिसका है वो इसे छोड़कर यहीं चले गए हैं और कह रहे थे कि जब वो वापस आएंगे तब ले लेंगे। इस पर घर वालों का माथा ठनका। वो उस स्थान पर गए जहां फोन था, लेकिन गोविंद वहां नहीं थे। बता दें कि गोविंद प्रसाद बनिया 17 अक्टूबर से लापता चल रहे हैं। एक बड़ा बेटा विशाल मलेशिया में रह रहा है और छोटा बेटा नेपाल में ही रह रहा है। घर वालों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस भी अभी तक खाली हाथ है। लेकिन इन सबके बीच एक अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगा। एक संदिग्ध महिला को राजस्थान से फोन गया और फोन करने वाले ने पूछा कि उन्हें कोई वहां तलाश तो नहीं कर रहा है। यही वजह है कि गोविंद प्रसाद का पूरा परिवार भारत सरकार व राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। गोविंद के बेटे विशाल ने खबर 24 एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि वे नेपाल सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के भारत के साथ बेहद ही घनिष्ठ संबंध है, हम भारत को बेहद प्यार करते हैं, कृपया करके मेरे पिता को खोजने में मदद कीजिए। गोविंद प्रसाद के बेटे विशाल ने भरे गले से सबसे गुहार लगाई और सभी से विनती की कि उनके पिता का फोटो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल करें ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके और उनके पिता सकुशल घर वापस आ जाएं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पिता का सुराग देगा वो उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और बदले में वे कुछ न कुछ इनाम भी जरूर देंगे। विशाल का मोबाइल नंबर है +9779813765698। हम दोबारा से नंबर फिर बता देते हैं, +9779813765698। नंबर नेपाल का ही है। खबर 24 एक्सप्रेस भी आप सभी से गुहार लगा रहा है कि आप भी एक मजबूर बेटे का साथ दें और उनके पिता को खोजने में उनकी मदद करें। धन्यवाद।